आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये आवाज थी 1917 की रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर इलिच उलियानोव की, जिन्हें दुनिया लेनिन के नाम से जानती है। रूस के इतिहास में लेनिन एक बुलंद पाया नेता हैं। उनका जन्म 1870 में 22 अप्रैल को वोल्गा नदी के किनारे बसे सिम्ब्रिस्क शहर में हुआ था। विश्वविद्यालय के दिनों में विक्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हुए। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से न केवल विश्वविद्यालय से उन्हें निष्कासन झेलना पड़ा, बल्कि बाद के दिनों में अपने कई समकालीन लोगों की तरह उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित जीवन बिताने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। निर्वासन के बाद उन्होंने करीब 15 साल पश्चिमी यूरोप में गुजारे। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने लगे और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बोल्शेविक धड़े के नेता बन गए। लेनिन के विचारों को उनके समर्थकों ने लेनिनवाद की संज्ञा दी। लेनिन के विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं और वे कौन से उसूल हैं जिन्होंने लेनिन को इतना लोकप्रिय बनाया, इसके बारे में हमने बात की जनसंस्कृति मंच के सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आशुतोष कुमार से। लेनिन ने यही रास्ता दिखाया था कि समाज की, राज्य की शक्तियों और संसाधनों का इस्तेमाल मेहनतकश तबके के लोगों की प्राथमिकता को ध्यान में रख के करना चाहिए। इसके साथ साथ एक सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक केंद्र की बात की थी उन्होंने। वे डेमोक्रेसी के समर्थक थे, लेकिन डेमोक्रेसी को सफलतापूर्वक काम करने के लिए केंद्र से संचालित होना चाहिए। केंद्र और हाशिए के बीच एक दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। ये सारे उसूल हैं जिनको हम संक्षेप में लेनिनवादी उसूल कहते हैं। और दुनिया जब भी एक बड़े संकट में होती है, तब अगर वो इन उसूलों पे गौर करे तो हो सकता है उसे आगे की रोशनी दिखाई पड़े। ये थे प्रोफेसर आशुतोष कुमार। लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ये रूसी क्रांति ही थी जिसने रूस का भविष्य बदल दिया था। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस, जिसे आम तौर पर सोवियत कहा जाता है, इसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। इस क्रांति के बाद जार शासन की हार हुई और सोवियत का उदय हुआ था। सोवियत का अर्थ होता है मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये मानव इतिहास में समानता के सिद्धांत को सचेत रूप से रचने की बड़ी कोशिश थी। लेनिन का नाम इस क्रांति से एकाकार हो चुका था। ये सच है कि लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर राज्य ने आर्थिक नियोजन का रास्ता अपनाया। काम का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया, रोजगार दिलाना राज्य का कर्तव्य हो गया, जनता को शिक्षित करने का काम उच्च प्राथमिकता में आ गया, काम के घंटे निश्चित हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद लेनिन पर आरोप बहुत लगे। कहा जाता है कि क्रांति, जंग और भुखमरी के दौर में लेनिन ने अपने देशवासियों की दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया था और किसी भी तरह के विपक्ष को कुचल दिया था। उन्हें काफी विवादित और भेदभाव फैलाने वाला नेता भी माना गया। उनके समर्थक यदि उन्हें समाजवाद का अगुआ मानते हैं, तो आलोचक उन्हें ऐसे तानाशाही सत्ताधीश के रूप में याद करते हैं जो राजनीतिक अत्याचार और बड़े पैमाने पर हत्याओं के लिए जिम्मेदार रहे। कहा जाता है कि लेनिन के राज्य में विरोधियों को रेड टेरर का सामना करना पड़ता था। लेनिन के इस पहलू पर हमने बात की आरएसएस समर्थक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी से। आज जिस रूप में लेनिन को याद किया जाता है, शायद रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा के अंत से पहले और बाद में लेनिन को बिल्कुल बहुत अलग तरीके से याद किया जाता है। ये ठीक है कि जो बोल्शेविक क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति 1917 की, उसके नायक के रूप में, उसके फाउंडर के रूप में, उसके मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में लेनिन को जाना जाता है।
लेकिन बात यह है कि लेनिन, स्टालिन और उसके पश्चात जब तक वहां पर रूस में कम्युनिस्ट शासन रहा, तब तक रूस में किस प्रकार की किसी को बोलने की आजादी नहीं थी, तानाशाही थी। शायद जो आंकड़े बताते हैं उसमें हजारों लाखों लोगों को जो शासन के विरोधी होते थे उनको मार दिया जाता था। लेनिन आज सिर्फ याद रखे जाएंगे तो 1917 से लेकर 1924 तक रूस के शासक के रूप में रखे जाएंगे। ये थे डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी। लेनिन को आलोचना का खौफ नहीं था। सामाजिक न्याय और बराबरी पर आधारित दुनिया उनका एक सपना थी। लेनिन का योगदान ये था कि उन्होंने बताया कि क्रांति कोई सपना या संयोग नहीं होता। साल 1918 में लेनिन की हत्या की कोशिश की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वर्ष 1922 में उन्हें एक स्ट्रोक हुआ, जिसने उन्हें काफी परेशानी में डाल दिया। अपने अंतिम दिनों में लेनिन नौकरशाही और सत्ता के बीच के संबंधों को लेकर काफी परेशान थे। 24 जनवरी 1924 को लेनिन का निधन हुआ। आज भी उनका शव मॉस्को के रेड स्क्वायर में एम्बाम यानी सुरक्षित रखा हुआ है। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। जल्द ही नई प्रस्तुति के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथ ही सचिन द्विवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।